पाकिस्तान कल तक कहता है परमाणु फेंक दूंगा, परमाणु फेंक दूंगा, आज उसकी दम है तो बिजली बम फेंक के दिखा दे, वो आटे आटे को भिखमंगा हो रखा है। वो किसके राज के अंदर? मोदी सरकार के अंदर। हम देख रहे हैं आज पीओके की बात करने वाला हमारा गृह मंत्री सांसद में खड़ा होकर के बोलने वाला, आपके राज में सियाचिन गया, तिब्बत गया, कच्छ गया है, ये कश्मीर भी जा ही चुका था कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ, कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ, आपकी चुप्पी क्यों थी? आज अगर मोदी सरकार आई है सर, हम देख रहे हैं एक्सप्रेसों की सौगात, हम देख रहे हैं वंदे भारत जैसी ट्रेनें, हम देख रहे हैं गरीबों के लिए योजनाएं, हम देख रहे हैं विदेश के ऊपर हमारे संबंध अच्छे होते हैं। बम धमाके ना हो, मोदी को वोट दो। अगर आप चाहते हो लग्जरी अच्छी ट्रेनों में सफर करना है, मोदी को वोट दो। अगर आप चाहते हो अच्छी सड़कों पे घूमना है, मोदी को वोट दो। अभिनंदन जैसे शूरवीर को गर्व के साथ पाकिस्तान से लाया जाता है तो मोदी को वोट दो। आप कहते हो मोदी जी करते हैं, मोदी जी अगर हिंदू मुस्लिम करते हैं, बताओ कुवैत में हमारे 8 सैनिक कैसे आ गए, कट्टर इस्लामिक कंट्री। अबू दुबई में मंदिर कैसे बन गया, कट्टर इस्लामिक कंट्री। पाकिस्तान में कैसे राम मंदिर बन रहा है, कट्टर इस्लामिक कंट्री। जिस दिन भारत की जनता जाति धर्म से बाहर आ गई, यादव ने यह सोच लिया पहले मैं हिंदुस्तान का हूं बाद में यादव हूं, ब्राह्मण ने यह सोच लिया पहले मैं हिंदुस्तान का हूं बाद में ब्राह्मण हूं, शूद्र ने यह सोच लिया मैं बाद में शूद्र हूं पहले हिंदुस्तान का हूं, उस दिन यह कटोरा लेकर के भीख मांगते नजर आएंगे, विपक्ष वाले इनको वोट नहीं मिलेगा। देश का प्रधानमंत्री जो बनना चाहता है, देश का नेतृत्व करने वाला इंसान अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करता है देश के ही नागरिकों के लिए, क्या उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए भविष्य में? तो ऐसी चीज भारत की जनता को समझनी पड़ेगी कि जिसके हाथों में आपने एट प्रेजेंट कमान दे रखी है वो भारत को बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है, और जिनके हाथों में आप देना चाहते हैं उन्होंने भारत का पहले भी बेड़ा गर्क कर रखा था, पहले भी भारत को बदनाम कर रखा था, पहले भी भारत का विकास नहीं किया, पहले भी जाति धर्म किया, पहले भी हिंदू मुस्लिम किया। अगर आप लोग चाहते हो दोबारा से वही वाली गतिविधियाँ भारत में उत्पन्न हो तो आपकी विचारधारा है, आपका राइट है, वोट डालने का डालो, लेकिन अगर आप चाहते हो बम धमाके ना हो, मोदी को वोट दो। अगर आप चाहते हो लग्जरी अच्छी ट्रेनों में सफर करना है, मोदी को वोट दो। अगर आप चाहते हो अच्छी सड़कों पे घूमना है, मोदी को वोट दो। अगर आप चाहते हो आप ही के आराध्य श्री राम का मंदिर जो बना, जिसके लिए कितने कार सेवकों ने आहुतियां दी और मंदिरों के लिए आहुतियां ना देनी पड़े, तो मोदी को वोट दो। अभिनंदन जैसे शूरवीर को गर्व के साथ पाकिस्तान से लाया जाता है, ऐसे ही भगवान ना करे हमारे और सैनिक अगर ऐसे हो जाते हैं, उनको लाने का कार्य अगर कोई सरकार करती है, मोदी सरकार करती है, तो मोदी को वोट दो। गरीबों के लिए अगर जमीनी स्तर पर किसी ने सोचा, चाहे शौचालय योजना के तहत, आवास योजना के तहत, स्वास्थ्य योजना के तहत, पढ़ाई योजना के तहत, जितनी तमाम योजनाओं के तहत अगर किसी ने सोचा तो मोदी सरकार ने सोचा, तो उनको लाओ। उनको क्या लाना है, जो सावन में मटन बनाते हैं लालू प्रसाद यादव जी, रघुवंशी कहते हैं, ब्राह्मण अपने आप को जनऊधारी ब्राह्मण कहने वाले सावन में मटन खाते हैं, कश्मीरी ब्राह्मण कहने वाले लहसुन अदरक से परहेज करने वाली बहन मटन खाती हैं। अभी चल रहा है नवरात्र, सनातनियों का सबसे बड़े तो बता भगवान का दिन चल रहा है, उसके अंदर तेजस्वी यादव जी प्लेन में बैठ करके मछली खाते हैं, तो ऐसे दोगले सनातनियों का साथ क्यों देते हो जो सनातन धर्म के नहीं है, जो अपने धर्म के नहीं है, वो धर्म की जनता के क्या होंगे भारत की? उनका कहना है कि हम भी जो है सनातनी हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी पूजा पद्धति से समझते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और केवल लोगों को, जितने भी युवा हैं, बेरोजगार हैं, और जो बुनियादी जो है मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और मंदिर मस्जिद। एक बार बता दीजिए, लालू प्रसाद यादव जी की धर्मपत्नी ताजिया करती हैं, कभी किसी ने रामनवमी करते देखा, किसी ने कंजकों का पूजन करते उनको देखा? देखा है तो बताओ कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है, यहीं से स्पष्ट होता है। वक्फ बोर्ड को 100-100 करोड़ रुपया देते हो, सनातन बोर्ड को कितना पैसा देते हो बताओ, यहीं से पता चलता है हिंदू मुस्लिम कौन करता है। ठीक है जी, पुजारियों को आप 1 रुपया नहीं देते, मौलानाओं को सैलरी बांटते हो, कौन हिंदू मुस्लिम करता है? हैं, हज हाउस पे सब्सिडी देते हो, कितने हमारे तीर्थों के ऊपर सब्सिडियां दी बताओ, कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? आप बताओ, हज हाउस बनाए जाते हैं द्वारका के अंदर अलग अलग जगहों पे ऊपर, लेकिन सनातन धर्म मंदिर के अंदर अगर राम मंदिर बनने का मुद्दा आता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय से आता है, उसके आप ऊपर विकल्प खड़े करते हैं, अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो, विश्वविद्यालय बना दो, लेकिन वही जब बाबरी मस्जिद का भी फैसला आया था उसके ऊपर भी तो बोलो मुस्लिम भाइयों को कि भैया तुम भी पहल कर दो, हिंदू तो नहीं मान रहे, वो कहते हमारे आराध्य का था, आप ही बना दो। उनको बोलने के लिए आपकी जबान क्यों नहीं चलती? आप कहते हो मोदी जी करते हैं, मोदी जी अगर हिंदू मुस्लिम करते हैं, बताओ कुवैत में हमारे 8
पाकिस्तानी कैसे आ गए? कट्टर इस्लामिक कंट्री। अबू दुबई में मंदिर कैसे बन गया? कट्टर इस्लामिक कंट्री। पाकिस्तान में कैसे राम मंदिर बन रहा है? कट्टर इस्लामिक कंट्री। क्या बात करते हो, जनता को गुमराह करते हो। जिस दिन भारत की जनता जाति धर्म से बाहर आ गई, यादव ने यह सोच लिया पहले मैं हिंदुस्तान का हूँ बाद में यादव हूँ, ब्राह्मण ने यह सोच लिया पहले मैं हिंदुस्तान का हूँ बाद में ब्राह्मण हूँ, शूद्र ने यह सोच लिया मैं बाद में शूद्र हूँ पहले हिंदुस्तान का हूँ, उस दिन यह कटोरा लेकर के भीख मांगते नजर आएंगे। विपक्ष वाले, इनको वोट नहीं मिलेगा। लेकिन एक तरफ ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो है ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जातिगत राजनीति करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है लगातार उनके मैनिफेस्टो में है कि वे जो है जनगणना कराएंगे, जातिगत जनगणना जो होती है पूरे देश में, जातिगत जनगणना। जाति जनगणना का मतलब क्या है आप बताना चाहते हो? ब्राह्मण इतने हैं, शूद्र इतने हैं, वैश्य इतने हैं, और जाट इतने हैं, ठाकुर इतने हैं, दलित इतने हैं, और उनको बताओगे भैया यहाँ तुम्हारा वोट बैंक ज़्यादा है, यहाँ तुम्हारे को ये सुविधा देता हूँ, मुझे वोट दो, लेकिन देश का तुम क्या करोगे वो बताओ। आज अगर मोदी सरकार आई है सर, हम देख रहे हैं एक्सप्रेसों की सौगात, हम देख रहे हैं वंदे भारत जैसी ट्रेनें, हम देख रहे हैं गरीबों के लिए योजनाएं, हम देख रहे हैं विदेश के ऊपर हमारे संबंध अच्छे होते हैं, हम देख रहे हैं आज पीओके की बात करने वाला हमारा गृह मंत्री सांसद में खड़ा होकर के बोलने वाला। आपके राज में सियाचिन गया, तिब्बत गया, कच्छ गया है, ये कश्मीर भी जा ही चुका था कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ, कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ? आपकी चुप्पी क्यों थी? आप बताइए आपने किया क्या? आपने भारत का कोई एक राज्य मुझे बता दो जिसमें बम नहीं फाड़वाए गए आपके कार्यकाल में? क्या आप इतने सुरक्षा में असुरक्षित थे देश की जनता को बम विस्फोट से नहीं बचा पाए थे? आज क्यों नहीं बम फट रहे? आज वो कहां मर गए आतंकवादी, हम पूछते हैं। क्या कर दिया मोदी सरकार ने, ऐसी कौन सी छड़ी घुमा दी, आतंकवाद खत्म कर दिया, कश्मीर का मुद्दा सॉल्व कर दिया, जहां कश्मीर में साइकिल छोड़ो पैदल नहीं चल सकते थे वहां श्रीनगर से जम्मू तक ट्रेन चला दी है, पीओके लेने की बात करी, लद्दाख के अंदर 24 जम्मू कश्मीर में सीटें आरक्षित कर दी है, वो पाकिस्तान कल तक कहता परमाणु फेंक दूंगा, परमाणु फेंक दूंगा, आज उसकी दम है तो बिजली बम फेंक के दिखा दे, वो आटे आटे को भिखमंगा हो रखा है, वो किसके राज के अंदर? मोदी सरकार के अंदर। अगर आपने किए होते सर, 50 से 55 साल इन्होंने राज किया है, पढ़े लिखे युवा हैं हम, 1947 में 6 नंबर पे अर्थव्यवस्था थी हमारी, 1990 आते आते 12वें नंबर पे ले आए, आप बता दो कैसे इतनी बढ़ गई? ना आपने IIT बनाए, ना IIM बनाए, ना क्या बनाया, एक एम्स दिया भारत को 1947 से 2003 तक, 6 एम्स अटल बिहारी वाजपेयी जी देते हैं, 1 एम्स मनमोहन सिंह जी देते हैं, 16 एम्स का शिलान्यास मोदी जी करते हैं, आपने क्या किया? IIT, IIM, IIIT, ये बताइए आपके कार्यकाल में कितने थे और आज कितने? और उसके बाद भी जहाँ महंगाई उस स्तर पे होनी चाहिए, आप बता दो किस मुकाबले है? आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, आपके पी चिदम्बरम जी कहते हैं हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए, बहुत खुशियां मना रहे थे, और 2047 तक हम पहले नंबर पर आ जाएंगे। मोदी जी ने तो 2024 जहां आज हम जी रहे हैं 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, 2027 तक 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था, जर्मनी और जापान को पछाड़कर, सड़कों को बिछाने के ऊपर लेकर के चाइना को पछाड़कर आज हम 2रे नंबर पर आ गए। GDP हमारी कहां ग्रोथ कर रही है, सेंसेक्स निफ्टी कहां उछाल मार रहा है? आपने सिर्फ दिमाग में डाल दिया बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी महंगाई, अरे इतनी है कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, चल भारत की जनता ने आपकी झोली में डाल रखी है, वहां युवाओं को रोजगार दे दिया, बताओ वहां के विकास कार्य क्या किए, बताओ जनता को, वहां के भ्रष्टाचारी जेल गए, बताओ वहां पर महंगाई खत्म कर दी, बताओ 3 राज्य आप संभाल नहीं पा रहे, आपको चिंता भारत की हो गई? ऐसा लग रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की लहर तो है, लहर मोदी की है, जब तक मोदी की लहर है तब तक तो चाहिए आप डोगी खड़ा करो, अभी जीत जाएगा ना, ऐसा लग रहा है पूरे देश में। तो भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ से खंडेलवाल जी खड़ा किया तो जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, 7 के 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीत रही है, और 400 पार जो नारा मोदी जी दे दिए हैं, परिवार जनों हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो सब आशीर्वाद दे रहे हैं, 400 का नारा 100% पार होगा, 100% पार। कहाँ से हैं आप? इलाहाबाद से जी। लेकिन लगातार जो है जो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम जो है हमें ज़्यादा तजुर्बा है, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, वे कहते हैं ये सारे सरकार फेल हो चुकी है, इंजन के पीछे या डबल इंजन पीछे, आप सब खुद ही समझ सकते हैं किसकी ताकत मजबूत है, ये तो सभी जानते हैं, पर बोलना कोई नहीं चाहता। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की इस बार 400 आंकड़ा पार है। हाँ, लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं आप, केजरीवाल एक तरफ कह रहे हैं कि पूरा आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी, वो कह रहे हैं कि हमको एक एक करके जो है टारगेट किया जा रहा है, सारी जो है संवैधानिक संस्थाओं को जो है मोदी जी ने खरीद लिया है और हमको अंदर करे जाएं, क्योंकि हमसे डर गए हैं मोदी। तो सिर्फ ये दिखता है मोदी जी ने सारे चीज़ों को प्राइवेट कर दिया, उनको ये दिखता है, विकास नहीं दिख रहा है, विकास किसी को नहीं दिख रहा है, विकास किसके लिए हो रहा है, जनता के लिए हो रहा है ना, जनता तो जानती है कि हम हमारे लिए क्या मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है,
अब वो तो विपक्ष पार्टी है, वो तो बोलेंगे ही अपने तरह से। राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने 10,000 किलोमीटर की यात्रा जो है, पद यात्रा उन्होंने किया, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, लगातार कह रहे हैं कि कहीं भी जो है हमें विकास नहीं दिया, लोगों से मेरी बात हुई है। वो तो एक अलग मुद्दा है, वो तो अपना ही रखवानते हैं। वो आज तक अगर यही होता तो आज वो एक नेता अच्छे होते हैं। आज तक वो अपने पिताजी का संविधान नहीं चला पाए, वो कुछ आज तक यही नहीं, सरकार नहीं चला पाए तो क्या करेंगे। राहुल गांधी में काबिलियत बिल्कुल है ही नहीं। हमारा 5 साल का भतीजा है, आप उससे घर पे चल के पूछिए कि पीएम कौन बने, तो कहता है मोदी, कहता है राहुल का तो पप्पू है। वो खुद कहता है मैं पप्पू हूँ, तो वो पप्पू है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है मैं पप्पू हूँ। आप ये इलाहाबाद से हैं, आप ही उत्तर प्रदेश से हैं, वो कह रहे हैं कि जब मेरी पदयात्रा जो है बनारस से आ रही थी, तो मैंने जब वहाँ देखा, वहाँ स्टे किया, वहाँ देखा तो टोटल जो है जितने भी युवा हैं वो सब जो है नशेड़ी थे। तो आप ये बताइए कि जिनकी सोच यही है कि उनके लिए युवा नशेड़ी हैं, वो शक्ति को ख़त्म कर देंगे, वो भगवान श्री राम को कभी पृथ्वी पर जन्म मानते ही नहीं है, राम मंदिर था ही नहीं, तो आप उनको कैसे सरकार दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए आपके पास कोई विकल्प है ही नहीं। राहुल गांधी का आप किस वजह से देंगे ये बताइए, राहुल गांधी का आप क्यों चाहते हैं ये कार्ड बता दीजिए, और मोदी जी को मैं 10 कार्ड बताऊंगा क्यों चाहता हूं।